हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। आज हमारा यह थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट वाला लेक्चर जो था ज्योग्राफी से रिलेटेड था, सेकंड हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड था। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, लोगों को कन्फ्यूज होता है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सब चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ये भी आपका सेकेंड पार्ट है कॉन्सेप्ट टॉक का, और यह इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट टॉक है। ठीक है, तो देखिए आइए हम चर्चा करते हैं जीडीपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ना कि प्राइस। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जिसको बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट में जब आप कॉन्सेप्ट आपकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज समझिए बस, आप डोमेस्टिक की चर्चा किया गया थी। ठीक है, डोमेस्टिक की चर्चा किया गया है, तो अब आती है बात की किसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, तो इसकी सीमा रेखा, ठीक है, इसकी सीमा रेखा के अंदर जो भी चीजें उत्पादित होंगी, ठीक है, तो इसकी सीमा रेखा के बीच में जो के अंदर जो भी चीजें उत्पादित होंगी वह हमारा किस में आएगा, डोमेस्टिक में। अनदर कुछ चीजें और हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखिए कि अगर हमारा कोई जहाज है, नवल शिप है, ठीक है, नौसेना का शिप है, ठीक है, नौसेना का शिप है, कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी हो, नौसेना का शिप हुआ, जो सरकारी जहाज होते हैं वह हुए, और एम्बेसी, एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी जो होता है वह भी हमारा किस में आता है, घरेलू में आता है। कि अगर कहने का यह तात्पर्य है कि अगर हमारी कोई एम्बेसी जो है कि कहां पर है, पाकिस्तान में है, तो वहां पे जो चीजें होंगी वह भी हमारी एक सीमा रेखा में आता है। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे कि दिल्ली में अगर पाकिस्तान की कोई एम्बेसी है, हर देशों की राजधानी, हर देश की राजधानी में की एक एम्बेसी होती है, कि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यूएनओ के सदस्य हैं, उनको जो जो भी मान्यता मान्यता प्राप्त जो देश हैं वहां पे उनकी एम्बेसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो नौसेना हुए, उनकी जहाज हुए, एम्बेसी हुए, तो ये सारी किसमें आएंगी, वह उनकी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि जस्ट लाइक अगर बोल दिया जाता है कि नौसेना जो है, नौसेना पे कोई चीज उत्पादित हो रही है, ठीक है, लेट कोई जहाज है उस पर कोई चीज उत्पादित हो रही है, तो वह किसमें आएगा, तो वह उस देश के जीडीपी में आएगा। ठीक है, उस देश के जीडीपी में आएगा। तो अब देखिए कि जस्ट लाइक एक एम्बेसी का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि चाइना में ही एक बार विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो घरेलू विद्रोह हुआ था, गृह विद्रोह हुआ था, तो उसमें अमेरिका, अमेरिका के एम्बेसी में लोग चाइनीज जाके छुप गए थे। ठीक है, चाइनीज के लोग जाके अमेरिका में छुप गए थे, लगभग 17 साल बाद उसकी सीमा से निकले, क्योंकि अगर चाइना के एम्बेसी, चाइना की सेना उस पर हमला कर देता, जबकि उसी देश में है, ठीक है, उसी देश में है, अगर उस पर हमला कर देता या उस पर कोई दिक्कत आती, तो यह माना जाता कि वह यूएसए पे हमला हो रहा है, अमेरिका पे हमला हो रहा है। ठीक है, एम्बेसी पे हमला का मतलब उस देश पे हमला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि आप ऐसी चीजें भी सुने होंगे कि कोई राष्ट्राध्यक्ष या एम्बेसी में जो लोग रहते हैं कि वह जब से एम्बेसी से बाहर निकलते हैं तभी उनके ऊपर हमला करके उनको मारा जाता है। कि जैसे आपने ईरान का केस सुना होगा, इराक का केस सुना होगा, जब तक एम्बेसी में होते हैं तब तक नहीं हमला किया जाता है, ऐसा माना जाता है उस देश की संप्रभुता को हम नहीं मान रहे और उस पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी, आइए हम जीडीपी पे, इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए जीडीपी मैंने घरेलू जो वहां पे उत्पादित हो रहे हैं उन उसमें आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाता है एनडीपी। ठीक है, एनडीपी से पहले हम जान लेते हैं जीएनपी। ठीक है, जीएनपी, अब जैसे कि जीडीपी में देखिए, जीडीपी में कौन कौन सी भी चीजें आएंगी, कि हमारे देश के भीतर में अगर टाटा भी उत्पादित कर रही वह भी काउंट होगा, और अगर यहां पे एलजी या सैमसंग जैसे साउथ कोरिया का है वह इस देश में आके हब अपना बनाए हुए हैं, या श्योमी ले लीजिए तो वह बेंगलुरु में उनके हब हैं, तो वहां पे अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वह हमारे जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, लेकिन वह जीएनपी में नहीं होगा, राष्ट्र में नहीं आएगा। जीएनपी का यहां पे नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, नेशनल का प्रोडक्ट है। और यहां पे अगर हम जीडीपी की बात करें कि क्या टाटा अगर लंदन में
स्टील पे काम कर रहा है या लक्ष्मी मित्तल जो काम कर रहे हैं वह स्टील पे काम कर रहे हैं, तो क्या वह जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, वहां की जीडीपी में काउंट होगा। टाटा भले ही है लेकिन वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करें तो जीएनपी में जब आ जाएगा तो टाटा का पैसा यहां पे काउंट होगा और श्योमी का पैसा चाइना में काउंट होगा। समझ रहे हैं कि जो नेशनल राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उनकी जो आय होगी, उनके जो प्रोडक्ट होंगे वह यहां के देश में काउंट होगा, जो बाहरी होंगे चाइनीज हैं तो वह उनके जीएनपी में काउंट होगा, लेकिन जीडीपी में हमारे काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि एनएनपी, ठीक है, एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्राइस। अब बताइए कि लेट की कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कि जस्ट लाइक इस पेन को बनाया जा रहा है, तो क्या इसकी जो कंपनी होगी तो उसमें जो कारखाने होंगे तो क्या उसमें टूट फूट नहीं होता होगा? कि मान लीजिए कि हम बताएं कि 5 साल में अगर इसका प्रोडक्शन जो है कि 10,000 किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे जो प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का हो रहा है, ठीक है, लेट हम 10 लाख लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या उस कंपनी में टूट फूट नहीं होगा या उस कंपनी की रंगैया पतैया या सारी चीजें नहीं होंगी? क्या कुर्सी मेज जो चीजें वहां पे हैं वह भी तो टूटेंगी, तो वह क्या प्रॉफिट में गिना जा सकता? नहीं, उस कंपनी का जब उसको मूल्यह्रास जब हम टूट फूट अलग कर देंगे तो वह हमारा क्या आएगा? एनडीपी में आएगा, ठीक है। जीडीपी में से जब हम माइनस मूल्यह्रास कर देते हैं, मूल्यह्रास जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? कि एनडीपी कहलाता है, ठीक है। जीडीपी में से जब मूल्यह्रास हम कर देंगे तो हमारा एनडीपी कहलाएगा। एनएनपी जब जीएनपी में से हम मूल्यह्रास से निकाल देंगे, मूल्यह्रास मतलब कि जो हमने काउंट किया है जीएनपी उसमें में से हम डेप्रिसिएशन यानी कि जो टूट फूट हो रही है कंपनी में उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा एनएनपी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि इकोनॉमिक्स के ही हम वर्ड को शब्दावली पर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए हम फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, लेट इस स्केच को बनाने में कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, ठीक है। अब बताइए कि इस पेन को बनाने में कि क्या क्या चीजें लगेंगी, जस्ट लाइक ए ऊपर में स्टील हम लेके चल रहे हैं तो स्टील लगेगा, ठीक है, और इसमें प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, प्लास्टिक लगेगा और इसको इंक लगेगी और इसको कंपनी बैठाने के लिए वहां पे भूमि लगेगा, ठीक है। तो हम फैक्टर कॉस्ट ले रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलग चीज है, फैक्टर कॉस्ट अलग है कि हमारा जो इनिशियल जो हम इसको पूरे बनाने में इसमें हम कुछ अनदर अपना फायदा लाभ या कुछ चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या हमारा फैक्टर कॉस्ट है। इसको पूरे बनाने में जो हमारे प्राइस लगा उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं एमआरपी, ठीक है। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस का रिटेल का मतलब होता है खुदरा मूल्य, खुदरा का मतलब होता है कि अगर हम एमआरपी का मतलब होता है कि अगर हम इस प्रकार के 10 पेन लेने जाएं तो हमारा क्या उसको बोला जाता है कि हम थोक में ले रहे हैं, लेकिन खुदरा का मतलब एक पेन हम ले रहे हैं तो उसका क्या प्राइस होगा, वह एमआरपी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मेंशन होता है कि किसी चीज पे एमआरपी मेंशन होता है तो वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम अगर उससे अधिक लिया जाता है तो हम उपभोक्ता फोरम में जाके उसका रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए कि अब फैक्टर कॉस्ट मैंने चर्चा कर लिया था, एमआरपी हो गया हमारा, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी पे आइए हम देख लेते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका कहीं कहीं पे इसके क्या पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। यह कौन देता है? सीएसीपी, ठीक है, वाल पॉल ऐसे ही कुछ करके नाम है जो इस टाइम इनके हेड हैं सीएसईपी के, ठीक है। तो यह क्या करते हैं कि 22 जो है पे दिया जाता है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जो वह सपोर्ट प्राइस जैसे कि आज सोच लीजिए कि यह कृषि से संबंधित है, ठीक है, यह भी पूछा जाता है किससे संबंधित है, कृषि से, इस टाइम अभी कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो लेट हम कि गन्ना, ठीक है, गन्ना नहीं हम लेके चलते हैं गेहूं, क्योंकि गन्ना में जो होता है एफआरपी होता है, ठीक है,
एफआरपी जो होती है प्राइवेट कंपनियों के साथ मिक्स करके दिया जाता है, तो इसी की वजह से एमएसपी नहीं उसको एफआरपी बोला जाता है। गेहूं है तो गेहूं का जस्ट लाइक कि सोचिए कि किसान जो है कि इसको बोता है तो 1000 रुपए लेके एक कुंटल कि वह अपने एक बीघे खेत में पूरा डाल देता है, ठीक है। अब उसमें लगेंगे इसके खाद, ठीक है, इसके बाद लगेगा पानी, ठीक है, इसके बाद में भी वह उसका जमीन ना हो तो उस चीज का उसको लगेगा किराया, इसके बाद उसको बेचने जाएगा तो उसका ट्रैक्टर का लगेगा, ठीक है, इसके बाद वह इसके बाद उस पर टैक्स लगेंगे। टैक्स तो वैसे नहीं लगते हैं कि अभी इंडिया में जो है आटा पे लगता है, ना कि गेहूं पे लग रहा है, ठीक है। तो अब आ जाइए कि हम एमएसपी की जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे इसको जो है कि एग्जैक्ट प्राइस जो होगा वह बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सरकार बोलती है कि अगर आपने लट की खर्चा किया है 1000 रुपए, अगर आपका टोटल मिला के हम समझ रहे हैं कि 1500 रुपए खर्चा किया है, तो सरकार बोलेगी कि आपको अगर इसका 1500 रुपए कोई नहीं दे रहा है तो हम आपको देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम इतना तो आप देंगे, आप बोलिए, ठीक है। बोला जाता है, या भी बोला जाता है कि फसल के पहले यह डिसाइड किया जाता है कि फसल नष्ट हो चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, क्योंकि देखिए कि जब रिलेशन इकोनॉमिक्स का होता है, इकोनॉमिक्स में रिलेशन होता है प्राइस का और डिमांड का, ठीक है, प्राइस और डिमांड और प्राइस का, प्राइस अगर हम अधिक हो जाएगा, ठीक है, प्राइस अधिक हो जाएगा तो वह अलग अलग की चीजें हैं कि कुछ की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे एप्पल फोन है, कुछ की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हाइक जरूर करेगी, ठीक है, प्राइस जो है अधिक होगी, ठीक है, डिमांड कम हो जा रही है तो प्राइस उसकी जो है कम होगी, ऐसे जनरली देखा जाता है, इसको फलन बोला जाता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तब होता है जब दोनों बढ़े घटे, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या डिमांड बढ़ेगा, नहीं, लेकिन डिमांड अगर बढ़ जा रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसको डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर लेट हम कि किसी साल फसल में सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया और एक साल जो हुआ बहुत अच्छी फसल हो गई, मान लीजिए कि इस टाइम इसमें 1 क्विंटल भी नहीं हुआ और यहां पे इस बार 10 क्विंटल हो गए, तो सरकार दोनों ही स्थिति में आपसे उतने प्राइस में ले लेगी, ठीक है, चाहे वह 10 क्विंटल आपका फसल हुआ हो तो आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन 1 क्विंटल जब हुआ रहेगा तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो बोल लेती है सरकार कि हम इतना, मतलब कि लेट 1900 रुपया समथिंग कुछ चल रहा है, 1950 या 1930 जो गेहूं का, तो इतने में हम तो लेंगे ही, उससे ज्यादा आप बेच सकते हैं, तो उसको एमएसपी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी का क्या मतलब होता है कि सरकार जस्ट लाइक जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर है, खाद है, इस पर सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है ताकि लोग इसका यूज कर पाए, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर देखा जाए कि एक ट्रैक्टर लगभग 4 लाख में लगभग आ जाता है, लेकिन वही चीज उतनी मजबूती ब्लोरो जो होती है वह 11 लाख 12 लाख की आती है, ठीक है, उतनी ही उससे कम मजबूती होती है उसके इंजन में। इस पे क्या किया जाता है, सरकारों द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि टैक्स में छूट दिए जाता है, टैक्स के छूट के साथ साथ बोला जाता है कि इस चीज का मैं पे कर दे रहा हूं, जस्ट लाइक कि ये पेन है, तो सरकार ये चाहेगी कि पढ़ाई का जो है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े तो इसका प्राइस सबके अनुसार कर देगी। सबके अनुसार का मतलब है कि 1 रुपए का करेगा तो अमीर आदमी भी खरीद सकता है, गरीब आदमी भी खरीद सकता है, लेकिन अगर यही प्राइस 10 रुपए कर दिया जाएगा तो गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा, अमीर आदमी तो खरीद पाएगा, लेकिन इससे जो होगा कि सब्सिडी इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच बन सके और उनके खर्चों में सहायता दे सके। या इसके विरोध में चीजें आती हैं कि जैसे अभी जो है ब्राजील को हम लेके चलते हैं, ब्राजील, आपने क्यूबा को सुना होगा, चीनी का कटोरा बोला जाता है, ब्राजील हुआ, क्यूबा हुआ और भारत हुए, तीनों जगह गन्ना के उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस टाइम जो है गन्ना के उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में, उपभोक्ता और उपभोग दोनों में जो है कि वह इंडिया फर्स्ट पे है, लेकिन ब्राजील इसके पहले क्या था, उत्पादन में अधिक था, ठीक है, उत्पादन में गन्ना के अधिक था, लेकिन
इंडिया में क्या किया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, जिसकी वजह से सब्सिडी की वजह से एमएसपी और सब्सिडी की वजह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग गन्ना उत्पादित करते हैं। तो ब्राजील हमेशा जो है कि जब भी बैठक होती थी सब्सिडी से रिलेटेड, सब्सिडी से जो इंटरनेशनल जो WTO का जो गाइडलाइन है कि 10% से अधिक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, 10% से अधिक नहीं दे सकते, इंडिया अक्सर इस बात में उल्लंघन करता है। क्यों उल्लंघन करता है? क्योंकि इंडिया की अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई है जितना अनदर देशों के किसानों के, जो विकसित देश हैं, तो उसकी वजह से अक्सर इंडिया को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, WTO का भी पूछा जाता है और या मेंस में पूछा जाता है, मेंस में लिख दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा अप्रोप्रिएट हो पड़ता है, ठीक है। PPP, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, और होता है प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका दो फुल फॉर्म निकलता है, PP होता है क्या। अब ये सोचिए कि जैसे कि ₹82 का $1 है, $1 बराबर ₹82 है, तो क्या अगर हम अरहर की दाल खरीदने जाएं तो क्या हमको अमेरिका में $1 पेमेंट करना पड़ेगा? $1 में क्या अमेरिका में अरहर की दाल मिलेगी? नहीं, क्योंकि यह क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रय परचेजिंग पावर, पावर का मतलब क्रय शक्ति सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य, ठीक है। तो किसी देश का किसी अन्य देश के साथ सापेक्ष में कितने का अंतर आ रहा है, कितना उससे गुना है, ठीक है। तो यह कोई एक प्रोडक्ट जिससे व्यापार किया जा रहा है, जिससे व्यापार किया जा रहा है, तो उससे एक कंपेयर कर लिया जाता है। जैसे कि जस्ट लाइक ये मोबाइल है, अगर यहां पे ये मोबाइल लेट हम 20,000 का लेके चल रहे हैं, तो क्या अमेरिका में क्या इसका डिवाइड बाई 82 कर दें तो हमको क्या यह $2,000 में मिल जाएगा क्या? $2,000 में अगर ओप्पो का फोन मिल जाएगा तब तो उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस देश के जो परचेज किया जा रहा है उस देश में उसकी क्या कितना अनुपात में अधिक होता है उतना ही दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहां अगर इस चीज के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं ₹20,000 और वहां पे इसी फोन के लिए पेमेंट किया जा रहा है लेट हम लेके चल रहे हैं कि $10,000, ठीक है, रुपए में नहीं चेंज होता है, उसकी उस कितना कितना अधिक है, कितना गुना अधिक है, तो उससे लेके चलते हैं, तो यह प्राइस में नहीं चेंज किया जाएगा वहां की क्षमता के अनुसार। इसका मतलब है कि इसका दोगुना प्राइस हमको देना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि दुबई में जो है कि वह आईफोन सस्ते मिलते हैं और यहां की अपेक्षा अगर हम बात करें दिरहम, ठीक है, वहां क्या चलता है, दिनार चलता है, ठीक है, दिनार चलता है, ठीक है, वहां का एक दिनार दिनार चलता है, वहां का एक दिनार लगभग यहां पे लगभग 700 ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है। इस प्राइस की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जैसे 100 दिनार सॉरी लगभग 7 या 8 गुने हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब आईफोन के प्राइस में अंतर आता है तो क्या 7 गुना का अंतर आ जाता है क्या? अगर वहां पे 50,000 में मिल रहा है तो क्या यहां पे 350 में मिलेगा क्या? ठीक है, 3,50,000 में मिलेगा? ऐसा नहीं है। वहां का जो उस दिनार के वैल्यू है यहां के आईफोन के दिनार के वैल्यू के साथ उतना अधिक ले लिया जाएगा। वहां क्या लिया जाएगा? वहां टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में लिया जाएगा या खरीदा जाएगा, जो कि अंतर उस प्रकार से हो जाता है कि जैसे अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि उस देश का इस देश के की कितना गुना है कि उस की, खासकर जिससे हमारा व्यापार किया जा रहा है उससे हम उसको कंपेयर कर लेते हैं उतना गुना उसको पेमेंट कर दिया जाता है, ना कि 82 गुना पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये आज के टॉपिक थे, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आप थोड़ा सा सजेशन दें कि आपको वीडियो लेंथी चाहिए कि थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, या इस प्रकार से 10 मिनट्स के शॉर्ट्स हम बना के आपको डालें, ठीक है। थैंक यू।